हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है। वीडियो में आज की बताने वाली हूँ रोमिंग असिस्टेंस डिसेबल कैसे करें। और फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो A9 2020। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट पैड को ओपन करना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको इसके इंटरफेस नजर आएगा। और फ्रेंड्स, आपको फोन सेटिंग को ओपन करना है। टू डॉट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको इधर दिखेगा रोमिंग असिस्टेंस, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, इसको यहाँ से डिसेबल कर दें। अगर आपको इनेबल करना है तो आप इसकी इंफॉर्मेशन पढ़कर इसे इनेबल करके भी रख सकते हैं और यहीं से आप इसे डिसेबल करेंगे। और फ्रेंड्स, आप सीख चुके हैं कि रोमिंग असिस्टेंस डिसेबल कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी थी, व्हेन यू कॉल अ कॉन्टैक्ट वाइल व्हेन आउटसाइड योर स्पेसिफाइड कंट्री रीजन द कॉलिंग कोड ऑफ द कंट्री रीजन विल बी ऑटोमेटिकली एडेड फॉर यू। तो आप यहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन पढ़कर आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं। इसी नंबर वन है मेरे में और इंडिया नंबर +91। और फ्रेंड्स, मैं इसे डिसेबल करके रखना चाहूँगी। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग इसे इनेबल करके रखते हैं। फ्रेंड्स, आपने इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ के बता चुकी हूँ, तो आप इसी प्रकार से इसे इनेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। आई होप आप सीख चुके कि रोमिंग असिस्टेंस को डिसेबल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।